अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस। एक टैंक है जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और उसकी साइड भी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। और ये कैसा है कि जिसका टॉप जो है वो खुला हुआ हो, जैसे एक कमरा है, ठीक है, कमरे की छत ना हो, फ्लोर है और उसकी दीवारें हैं, तो वो वैसा उसकी बात कर रहा है टैंक की। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी जो जमीन बन रही है, जो फर्श बन रही है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, 70 मीटर स्क्वायर, और 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर, और जो उसकी दीवारें हैं उनके बनने में कितना खर्चा आ रहा है, 45 रुपया पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी कम से कम उस टैंक को बनाने में। तो यहाँ पे देखो, तो हम इसकी मान लेते हैं जो टैंक है वो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं पहले टैंक। ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये मान लेते हैं बेस की लेंथ, और ये इसकी वेर्थ, और ये इसकी हाइट, ठीक है। तो हाइट तो हमें दे रखी है, हाइट मतलब डेप्थ, यानी 2 मीटर ये दे रखा है, और हमने इसको मान लिया एक्स, ये हो गई लेंथ, यानी एल जो है वो हमने एक्स मान ली, बी जो है वो हमारी वाई है, ये चीज़ें हो गई। अब वॉल्यूम दे रखा है तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, वी जो है वो है 8 मीटर क्यूब, लेंथ जो है वो हो गई एक्स, ब्रेथ जो है वो वाई, और हाइट जो है वो 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वाई जो है वो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन x मीटर। अब यहाँ पे जो बेस है वो हमारा रेक्टेंगुलर बेस है ये, ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर बेस का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बेस पर मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70 रुपीज़ x y। और इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एक वेरिएबल में, यानी y की वैल्यू हम रख देंगे 4 अपॉन x, तो ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बेस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, तो 280, ये इतना आ जाएगा। तो बेस की कॉस्ट मिल गई। अब हमें निकालनी है दीवार, यानी साइड। तो साइड में देखो, साइड में चार फेस होते हैं, ये जो इधर वाला फेस होगा वो सामने वाले के इक्वल होगा, इधर वाला फेस इस सामने वाले के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ साइड्स क्या होगा, एरिया ऑफ साइड्स ये क्या होगा, 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, हाइट हमारी कितनी दे रखी है, 2, लेंथ दे रखी है एक्स, हाइट 2, ब्रेथ दे रखी है वाई, ये आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन x, तो यह आ जाएगा 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 4 अपॉन x, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चूंकि इसकी कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ साइड्स क्या आएगी, 45 इंटू 4x² प्लस 4 अपॉन x, तो 45 4 ज़ा होता है 180 x² प्लस 4 अपॉन x, ये आ गया। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट बेस की कॉस्ट प्लस साइड्स की कॉस्ट, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, तो ये हो जाएगी 280 प्लस 180, और इसको हम लोग अलग अलग ही लिखें ताकि डिफरेंशियल करने में आसानी हो जाए, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 4 अपॉन x, ठीक है। इस टोटल कॉस्ट को हम लोग मान लेते हैं सी एक्स, कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन हमें मिल गया।
अब हमें क्या चाहिए है, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए यानी टर्निंग पॉइंट। तो इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, तो इसका जो है डिफरेंशियल क्या आएगा, सी डैश एक्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, प्लस ये कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा वन माइनस, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस वन, जब डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस वन पहले आ जाएगा फिर एक्स की पावर माइनस टू, तो ये आ जाएगा फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सी डैश एक्स। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट सी डैश एक्स को जीरो रख देंगे, तो ये आ जाएगा 181 माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि एक्स हमारी लेंथ है तो माइनस टू नहीं आएगा प्लस टू ही रहेगा, एक्स मिल गया। अब इस एक्स पे ये जो फंक्शन है ये हमारा कैसा होगा, मैंने इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी डबल डैश एक्स, 180 बाहर ही रहेगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ज़ीरो, और ये एक्स की पावर माइनस टू आएगा, फिर एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, 180, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन एक्स की पावर 3। अब एक्स है हमारा 2, तो ये हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 इज अ मिनिमम पॉइंट, तो इसका मतलब ये हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया। तो मिनिमम पॉइंट मिल गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे सबसे कम खर्चा आएगा, तो एक्स की वैल्यू जो कॉस्ट फंक्शन दे रखा है सी एक्स, तो उसमें हम लोग एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा सी 2 इज इक्वल टू 280, इसमें रख रहे हैं प्लस 180, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 280 प्लस 180 इन 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 280, तो ये आ जाएगा 720, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 1 बचा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया 1000। तो जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आएगी 1000 रुपीज़, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।